दोस्तों, बोगनविला का प्लांट आपने रोड साइड में या पार्क में या हॉस्पिटल के जो बाहर से लगा हुआ देखा होगा। ये बोगनविला का प्लांट आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, और इसका जो इसकी एक खासियत होती है, इसमें जो फूल होता है, फूल ये 10 से 15 दिन तक खिले रहता है। 15 दिन तक खिले रहता है तो इसमें जो फ्लावरिंग भी होती है वो बंच की मात्रा में होती है, बहुत सारे फूल इसमें एक साथ खिलते हैं, तो ये प्लांट देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक आज एक तरकीब बताऊंगा, इसको कटिंग कैसे लगाई जाती है और उसको गमले में कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा एक बोगनविला का प्लांट है, ये 2 साल पुराना है और मैंने इसको 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। और ये इसकी अगर आप प्रूनिंग करते रहें तो ये आसानी से घना भी हो जाएगा और इसमें बहुत ढेर सारे फूल खिलेंगे, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, आपके गार्डन की जो 4 चांद लगा देगा अगर ये अगर आपके गार्डन में एक पौधा भी होगा तो। तो आज मैं आपको एक बोगनविला के प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं ये बताऊंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे ये येलो कलर का बोगनविला है, आज मैं इसकी कटिंग आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये येलो कलर वाला मेरे पास प्लांट है नहीं, तो आज मैं इसकी कटिंग लगा कर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको लगाया जाता है। अब मैं ये साइड से ले आया हूँ, कहीं रोड साइड में लगा था तो वहाँ से मैं इसकी कुछ कटिंग ले आया हूँ। इस समय जो बरसात का सीजन है, ये बोगनविला के प्लांट के लिए बहुत उपयुक्त है ग्रो होने के लिए। तो इस समय आप अगर लाते हैं बोगनविला का प्लांट तो आप इस प्रकार की कटिंग ले आएँ, ना ज़्यादा पुरानी ना ज़्यादा नई, और थोड़ा सा हार्ड कटिंग होनी चाहिए जो ग्रो जल्दी होती है। अगर आप सॉफ्ट कटिंग ले आए तो वो ग्रो नहीं होंगी। तो इस प्रकार की आप कटिंग ले आए, उसके बाद इसको क्या करना है आप देखिए, इसके जो नीचे के पत्ते हैं, ये सारे जो पत्ते हैं लीव्स इसकी सब निकाल देनी है, और कटिंग कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग आप लगा के निकाल के रखेंगे जो आप की अच्छी ग्रो हो जाएंगी। अगर आप छोटी कटिंग लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं होती है, तो 6 से 7 इंच की कटिंग लगाएं। ये देखिए, जैसे ऊपर का हिस्सा सॉफ्ट है, देखिए आपको दिखेगा ग्रीन कलर का होगा, ये कटिंग कभी ग्रो नहीं हो पाती है। जो नीचे का जो ब्लैक कलर का हिस्सा है, ऐसी कटिंग लाइए जो थोड़ा सा सूखा हुआ हो, और उसको ऊपर से आप कट कर दीजिए, इसके सारे पत्ते निकाल देंगे। इस तरीके से आप इसकी कटिंग बना लीजिए, और कटिंग कभी भी जो है तिरछी काटनी है, सीधी नहीं काटनी है, तिरछी कटिंग होगी तभी इसमें जो है जड़ें आएंगी। इस प्रकार से जितने आप 3-4 तो कम से कम लगाइए, क्योंकि ऐसा होता है कभी अगर आप एक ही कटिंग लगाएंगे तो अगर ग्रो नहीं हुई तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए आप 3-4 कटिंग लगाइए, उसमें से अगर एक भी ग्रो होगी तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। इस प्रकार से आप जो कटिंग है उनके सारे पत्ते निकाल दीजिए, क्योंकि अगर पत्ते इसमें रहने देंगे तो सारे न्यूट्रिशन वही खींच लेंगे और इसमें जो जड़ें हैं वो नहीं बन पाएंगी, इसलिए आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। इस प्रकार की कटिंग लीजिए, उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है उसको कम से कम इस तरीके से तिरछा काट दीजिए। ये देखिए, सारी कटिंग तिरछी काटनी है आपने। ये देखिए, मैंने सारी कटिंग ले ली है, ये 5 कटिंग है मेरी, अगर इसमें से एक भी ग्रो होगी तो मेरा एक पौधा तैयार हो जाएगा। होने को तो ये सारी, अभी जो बरसात का समय है इसमें सक्सेसफुल रेट 100% रहता है, इसलिए मेरे को यकीन है कि ये सारी कटिंग सफल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप कटिंग कर दीजिए, उसके बाद आप मिट्टी जो लेंगे, जो इसको तैयार करने के लिए जो मिट्टी होती है वो इस प्रकार की मिट्टी है। देखिए, इसमें जो है थोड़ा सा रेता मिला है और थोड़ी सी जो है गार्डन सॉइल है। रेता अगर आपकी मिट्टी में है तो आपको रेता मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मिट्टी में जो है रेता पहले से ही है, इसलिए आप रेता ना मिलाएं। अगर आपकी मिट्टी लाल मिट्टी है तो उसमें रेता ज़रूर मिलाएं। ये मैंने तैयार कर रखा है। इस प्रकार से आप कोई ग्रो बैग या कोई कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसमें आप कटिंग लगाते हैं, वो कटिंग लगाने के लिए आप ये देखिए, इसको कम से कम 2 से 2.5 इंच तक इसको आप मिट्टी में दबा दीजिए। इस प्रकार से इसको मिट्टी में जितना नीचे हिस्सा रहेगा 2 से 2.5 इंच, तो इसमें जड़ आने के लिए इसको सुविधा होती है, इसलिए कटिंग आप जब भी लगाते हैं तो उसको 2 से 2.5 इंच मिट्टी में लगाइए। इस प्रकार से सारी कटिंग आप एक ही में लगा सकते हैं या अलग अलग उसमें लगाना चाहते हैं, पन्नी में या कोई भी आप ग्रो बैग स्टार्ट इस्तेमाल करते हैं
तो उसमें लगाएंगे, तो उसमें भी लगा सकते हैं। मैं एक ही में लगा रहा हूँ, बाद में जब इसको रिपोर्ट करूँगा तो उसका वीडियो भी आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से इसमें जड़ें बनी हुई हैं। ये इस प्रकार से आप इसको लगा दीजिए और इसमें थोड़ी मात्रा में आप पानी डाल देंगे, क्योंकि ये बरसात का समय है, इसमें अगर हल्की मात्रा में पानी होगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में जो है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पौधे की मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि पौधे का विकास भी होता है और पौधे में जो जड़ें होती हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इसको पानी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसी जगह में रख दीजिए जहाँ जाते धूप ना पड़ती हो, इसको थोड़ी सी छाया वाली जगह में रखिए और रोशनी की जरूरत इसको ज़रूर पड़ती है। कोई भी कटिंग लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी रोशनी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसको शेड वाली जगह में रखेंगे। जैसे मैं देखिए, जैसे मेरे पेड़ लगे हैं बड़े बड़े, इनके अगर नीचे रख दूंगा तो इसमें पानी की मात्रा भी उचित मिलती रहेगी इसको बरसात में, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इसको तेज़ धूप में रख देंगे तो इसकी जो कटिंग है आपकी ख़राब हो जाएगी। इस प्रकार से आप बोगनविला की कटिंग लगा कर देखिए। और एक ख़ास बात और है, इस पौधे को अगर कटिंग आपने लगाई है तो इसको बार बार हिलाने की कोशिश ना करें। इसमें कई लोग होते हैं वो देखते रहते हैं कि इसमें जड़ आई है नहीं आई है, ये कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2 महीने के लिए ऐसे रखिए, कम से कम 50 से 60 दिन के बाद आप इसकी जो है इसमें जड़ें बननी स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसमें जो पत्ते आते हैं ऊपर से, सबसे पहले जो है ऊपर से पत्ते आने स्टार्ट होंगे, जब वो पत्ते 2-3 ब्रांच में बन जाएंगे उसके बाद इसमें जड़ें जो है परिपक्व हो जाती हैं, उसके बाद इसको आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बोगनविला की कटिंग लगाने से संबंधित वीडियो जो आपको कैसा लगा है इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।